नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का और बात साल 1973 की, लेकिन एक बेहद ख़ास तारीख की। तारीख है 27 मार्च और साल है 1973, राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की शादी का दिन। सुपरस्टार की बारात फिल्मी सितारों से सजी थी। कई जानी मानी हस्तियां उस बारात में शामिल थीं। बम्बई के साथ साथ देश भर में इस शादी को लेकर चर्चाएं हो रही थीं। लेकिन इन चर्चाओं को राजेश खन्ना ने जो ट्विस्ट दिया वो वाकई अप्रत्याशित और क्रूर था। वो अपनी बारात जानबूझकर अपनी प्रेमिका रही अंजू महेंद्रू के घर के आगे से लेकर गए। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे उनकी फिल्में फ्लॉप हुई थीं, अपनी अपराजित छवि को कायम रखने की उनकी भूख भी और ज़्यादा बढ़ गई थी। अपने जहन में शायद उसी इमेज को बरकरार रखने के लिए उन्होंने अपनी ही एक दीवानी फैन से शादी कर ली थी। फैन जो उनकी स्क्रीन इमेज से बेहद प्यार करती थी। जिस तरह की जल्दबाजी और गोपनीयता उन्होंने अपनी सगाई और शादी में दिखाई, उससे ये बात जाहिर होती है कि ये मामला सिर्फ रिबाउंड पर जोड़े रिश्ते का नहीं था, बल्कि ये फैसला उनके अंदर के गुस्से को भी जाहिर कर रहा था। वो शायद अंजू को ये दिखाना चाहते थे कि उन्हें एक ऐसी खूबसूरत हमसफर मिल सकती है जो सिर्फ उनकी अच्छाइयां देखती है, सिर्फ उनकी तारीफ करती है। जिस तरह मीडिया ने उनकी शादी को कवर किया, जिस तरह उनके फैंस का उत्साह दिखा, उन्हें लगा कि शादी के इस फैसले के जरिए उन्होंने शायद अपनी नज़रों में अपनी फ्लॉप फिल्मों से गिरती इमेज को दोबारा खड़ा कर लिया था। उनके साथ काम कर चुके कई लोगों की वाकई ये राय थी कि राजेश खन्ना ने ये फैसला अंजू से बदला लेने के लिए किया। लेकिन अगर इस घटना पर गौर किया जाए तो सुपरस्टार का घायल दिल ही सामने आएगा। फिल्म आपकी कसम के अपने किरदार की तरह ही अपने रिश्तों को पूरी तरह काबू में रखने की उनकी आदत ने उन्हें उन्हीं रिश्तों को झकझोर कर रख दिया। जिंदगी भर वो अपने करीबी रिश्तों के पेंच सुलझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन बार बार रिश्तों के इन धागों में वो खुद ही इस कदर उलझते गए कि आखिर तक निकल ही ना सके। उस दिन शादी में राज कपूर भी अपनी बॉबी को आशीर्वाद देने आए, जिसने पूरी फिल्म को किए बिना ही शादी करने का बड़ा फैसला ले लिया था। दिलीप कुमार भी बधाई देने पहुंचे। इसके अलावा जय ओम प्रकाश, शक्ति सामंत, शत्रुघ्न सिन्हा और राजेश खन्ना के थिएटर के दिनों के भी कुछ दोस्त थे। शादी के बाद करीबी दोस्तों, फिल्म स्टार्स और मीडिया के कुछ खास लोगों के लिए कॉकटेल पार्टी का आयोजन हुआ और इसकी सबसे खास बात यह रही कि ऋषि कपूर भी यहाँ आए। वरिष्ठ फिल्म पत्रकार मोहन बाबा वहाँ मौजूद थे और उस शाम का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि शादी के दिन जब पूरी दुनिया जैसे पागल हो गई थी, उसी दिन कॉकटेल पार्टी में एक पल के लिए चिंटू यानी कि ऋषि कपूर, डिंपल और मेरी, हम तीनों की मुलाकात हुई। सबकी नज़रें मिली, फिर होंठों पर जो मुस्कुराहट आई उसने दिल टूटने की पूरी कहानी बयां कर दी, कहानी जो हमेशा के लिए अनकही रह गई। ये फैसला इतनी जल्दबाजी में हुआ था कि डिंपल का परिवार भी पूरी तरह से उनकी शादी के लिए तैयार नहीं था। जहां उनके पिता चुन्नी भाई कपाड़िया खुश थे कि उन्हें सुपरस्टार दामाद मिला है, वहीं दूल्हा दुल्हन के बीच उम्र के फर्क को लेकर डिंपल की मां अफसोस जता रही थी। भारतीय एस प्रधान डिंपल की शादी पर उनकी माँ बिट्टी कपाड़िया रो रही थी, ऐसा बताती हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी एक ऐसे शख्स से शादी कर रही है जिसकी उम्र डिंपल की बजाय उनकी उम्र के ज्यादा करीब है। अपनी शादी पर ऐसे रिएक्शंस का सामना करते हुए डिंपल खन्ना सुपरस्टार की दुल्हन के जोड़े में आशीर्वाद में दाखिल हुई। शादी के कुछ समय बाद फिल्म पत्रकार उमा राव ने राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू का इंटरव्यू लिया। ये दोनों इंटरव्यू उनके लेख What Really Happened Between राजेश एंड अंजू में छपे। इसमें शादी के बाद राजेश खन्ना के चेहरे की चमक के बारे में भी लिखा था और अंजू के मजबूती से आगे बढ़ने के बारे में भी।
लेकिन दोनों पूर्व प्रेमियों ने एक दूसरे पर इल्ज़ामों की बौछार कर दी और टीनेजर्स की तरह एक दूसरे पर छींटाकशी करते नजर आए। अंजू ने कबूल किया कि उनका रिश्ता घिसट रहा था और उन्हें ब्रेकअप से कोई हैरानी नहीं हुई। वहीं राजेश खन्ना ने भी माना कि डिंपल से शादी करने का फैसला उन्होंने रातों रात लिया था। इस बात पर अंजू का कहना था कि राजेश खन्ना को कम से कम उन्हें ये बताने की शालीनता दिखानी चाहिए थी कि वो किसी दूसरी लड़की से शादी करना चाहते हैं। 7 साल पुराने रिश्ते को खत्म किए बिना यूं आगे बढ़ जाना सही नहीं था। लेकिन सिर्फ अंजू ही नहीं जिन्हें छोड़कर राजेश खन्ना आगे बढ़ गए थे। जहां उनकी शादी ने अंजू के साथ उनके रिश्ते पर ब्रेक लगाए, शादी के बाद स्टारडस्ट को दिए इस इंटरव्यू में उसने एक और रिश्ते में खटास डाल दी और ये रिश्ता था राजेश खन्ना का देवयानी चौबल के साथ। द बेस्ट ऑफ स्टारडस्ट कलेक्शन में दोबारा छपी इस स्टोरी में लिखा था, एक समय था जब अंजू डिंपल या भगवान से भी ज़्यादा खौफ राजेश खन्ना को अपनी पसंदीदा कॉलमिस्ट और राजदार से था। उसी के निर्देश के मुताबिक राजेश खन्ना सबसे इंटरव्यू के लिए मना कर देते थे और सारे स्कूप उसके लिए बचा कर रखते थे। देवयानी के मुताबिक वो पहली शख्स थी जिन्हें राजेश खन्ना की शादी के फैसले के बारे में पता चला था। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री द बॉम्बे सुपरस्टार में रिपोर्टर जैक पीजी से बात करते हुए देवयानी बताती हैं कि सुबह के 3 बजे नशे में धुत राजेश खन्ना ने उन्हें बताया था कि उन्होंने डिंपल को प्रपोज कर दिया है। उन्होंने देवयानी को फोन इसलिए किया था क्योंकि वो उनसे वादा कर चुके थे कि अपनी शादी की खबर सबसे पहले वो उन्हें देंगे। देवयानी वाकई खास थी। उन्होंने शादी के दिन राजेश खन्ना के सिर पर साफा बांधने की रस्म भी निभाई थी। लेकिन गड़बड़ तब हुई जब राजेश खन्ना ने शादी के बाद का अपना पहला इंटरव्यू देवयानी चौबल के बजाय किसी और को दे दिया, जिसमें वो अंजू के साथ रिश्ता खत्म होने की पूरी कहानी बताने वाले थे। इस इंटरव्यू को देवयानी चौबल को न देने की वजह बताते हुए देवयानी पर किताब लिख रही फिल्म पत्रकार सुपर्णा शर्मा कहती हैं कि राजेश खन्ना की शादी में शामिल होने के बाद उसी रात देवयानी अंजू से मिलने गई थी। वो अंजू को कई साल से जानती थी लेकिन राजेश खन्ना को इस बात का पता चला तो वो बहुत नाराज़ हुए। हो सकता है कि देवयानी को इंटरव्यू न देने के पीछे एक ये वजह रही हो क्योंकि राजेश खन्ना अक्सर ये काम करते थे। स्टारडस्ट में उमराव ने लिखा कि राजेश खन्ना ने अपनी कॉलमिस्ट दोस्त को खो दिया था। उसने देवयानी ने ये स्टोरी हमें यानी कि स्टारडस्ट को देने के लिए राजेश खन्ना को कभी माफ नहीं किया। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में देवयानी ने कहा कि मैं अब उससे नहीं मिलती, वो अपनी इमेज का बुरी तरह शिकार है। इस तरह वो दो किरदार, वो दो लड़कियां यानी कि अंजू महेंद्रू और देवयानी चौबल, जो संघर्ष और कामयाबी में राजेश खन्ना के साथ खड़ी रही थीं, दोनों ही उनकी नाकामी और अचानक शादी के बाद उनकी जिंदगी से बाहर हो गई। स्टारडस्ट के इस इंटरव्यू के लिए राजेश खन्ना से मुलाकात होते ही पत्रकार उमा राव ने उनसे कहा, शादी निश्चित रूप से आपको रास आई है। राजेश खन्ना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं खुश हूं, बहुत बहुत खुश। मेरी सारी टेंशन दूर हो गई है, मैं पूरी तरह तनाव मुक्त और शांत हो गया हूं। राजेश खन्ना को मालूम था कि गॉसिप कॉलम उनकी शादी की पब्लिसिटी को एक पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं और ऐसी बातें लिख रहे हैं कि जिससे ये लग रहा था कि इस पूरे मामले में अंजू के साथ धोखा हुआ है। इन्हीं पलों में राजेश खन्ना ने उमा राव को इस टूटे हुए रिश्ते पर अपना पक्ष देने का फैसला कर लिया। उमा के मुताबिक जैसे जैसे राजेश खन्ना याद करते गए कि अंजू और उनके बीच क्या क्या हुआ था, उसकी आवाज में जज्बात जैसे उबल रहे थे, आंखें दबे हुए गुस्से से दहक रही थी, कुटिल मुस्कान के साथ वो अपमान भरी बातें सुना रहा था। उस इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने बहुत खुलकर अपने और अंजू के रिश्ते के बारे में बोला। उस वक्त उनके जहन में शायद ये ख्याल आया होगा कि इस इंटरव्यू की उम्मीद तो देवयानी कर रही होंगी, जब ये पत्रिका देखेंगी तो शायद उसे झटका लग जाएगा। मगर जब ये पत्रिका छप कर आई तो झटका खुद राजेश खन्ना को लग गया। वो बुरी तरह नाराज हुए।
और उनकी नाराज़गी की असली वजह जानने में उमाराव को कई घंटे लग गए। डैम इट, वो चीखा, ये मेरी स्टोरी है और तुमने उसकी तस्वीर कवर पर लगा दी। वो अब भी खुद को ऐसे हीरो के रूप में पेश करना चाहता था जिसके साथ गलत हुआ है, या फिर शायद वो हर कहानी का हीरो बनना चाहता था। बाद के दिनों में उमा ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का जिक्र किया। जब भी राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम का जिक्र होता है तो हमेशा लिखा जाता है कि 1972 के अंत तक उनका सुपरस्टारडम खत्म हो चुका था। ये बात पूरी तरह गलत है। दरअसल सुपरस्टार बनने के बाद पहली बार उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप हुई थीं, लेकिन ये बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी उस दौर के मीडिया ने बना दी। फिल्म मीडिया और इंडस्ट्री के कुछ लोग शायद उनके गिरने का जैसे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। लोगों ने राजेश खन्ना की आलोचना की, उन पर अलग अलग तरीके से निशाने लगाए गए, उनके पतन का इंतज़ार किया, क्योंकि राजेश खन्ना की करिश्माई कामयाबी ने इन सब लोगों की तुलना में उन्हें बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया था, और वो भी बहुत कम उम्र में। जो फिल्में फ्लॉप भी हुई थी उन्होंने भी अच्छी कमाई की थी और अपना पूरा खर्च वसूल लिया था। हाँ, उनकी ब्लॉकबस्टर्स की तुलना में ये काफ़ी कम चली थी। जे ओम प्रकाश एक इंटरव्यू में बताते हैं कि बस कुछ फिल्में नहीं चलीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो फिल्म इंडस्ट्री से आउट हो गया था। सच तो ये है कि उसने इसी दौर में बड़े बजट की कई फिल्में साइन की थीं। फिल्म बिजनेस में जुड़े हम लोग जानते हैं कि यहाँ हर शुक्रवार किस्मत बदलती है। हमें पता था कि बस कुछ ही समय की बात है और राजेश खन्ना ज़बरदस्त वापसी करेगा। राजेश खन्ना ने खुद कबूल किया कि अपनी सफलता के चरम पर उन्होंने अपना एक तरीके से परिप्रेक्ष्य खो दिया था। उन्होंने माना कि वो बहुत अपने स्टाइल और एक्टिंग को दोहरा रहे थे। निर्देशक जोर देकर मुझसे कहते थे कि उसी तरह आंखें झपकाओ जैसे आराधना में किया था। इन अदाओं का ज़्यादा इस्तेमाल ही बाद में मेरे खिलाफ चला गया, एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना बाद के दिनों में कहते हैं। फैंस कुछ नयापन चाहते थे जो उन्हें राजेश खन्ना की अगली फिल्म राजा रानी में भी नहीं मिला। राजा रानी भी फ्लॉप हो गई। करियर में जो भी घट रहा था, राजेश खन्ना की निजी जिंदगी में खुशियां लौट आई थीं। मई 1973 में जब पूरी फिल्म इंडस्ट्री में राजेश डिंपल की शादी का जश्न मनाया जा रहा था, लगभग उन्हीं दिनों एक और खास घटना हुई। रोमांटिक हिंदी फिल्मों के बीच एक मारधाड़ वाली एक्शन फिल्म रिलीज हुई जो बदले की कहानी पर आधारित थी। फिल्म का नाम था जंजीर। हीरो थे फिल्म आनंद में राजेश खन्ना के सहनायक रहे अमिताभ बच्चन, और इस फिल्म को लिखा था राजेश खन्ना की खास रही स्क्रिप्ट राइटर्स की जोड़ी सलीम जावेद ने। फिल्म ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए और इसी के साथ हिंदी सिनेमा को एक नया नायक मिला, एक एंग्री यंग मैन। ये किरदार राजेश खन्ना की तरह नौजवानों को खूबसूरत रोमांस की सपनीली दुनिया में नहीं ले जाता था, बल्कि अपने ऊपर हुए जुल्मों के खिलाफ खड़े होकर आवाज़ बुलंद करता था। अपने नफासत भरे गुस्से से ये एंग्री यंग मैन रोमांटिक कहानियों में डूबे दर्शकों को जैसे याद दिला रहा था कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। मगर राजेश खन्ना इस बात को समझ ही नहीं पाए कि मोहब्बत अब बीते दौर का फसाना है। दर्शक कुछ नया चाहते हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।